हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटेल रिव्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 164वी स्पेशल एडिशन का। दोस्तों, यहाँ पर इस बाइक में कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक 160cc बाइक ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक है जो आपको काफ़ी सही प्राइस पॉइंट में मिल जाती है। रिलायबल ब्रांड है टीवीएस का, टीवीएस अपाचे अपने नाम से बिकती है। सो आज हम इसके स्पेशल एडिशन का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका ये ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन वाला कलर है जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज है ना, वो यहाँ पर है इसके साइलेंसर का। सो बेसिकली जो आपका गन वाला था, जो बेसिकली जो आपको लगता था कि जो गन होती है उस टाइप से जो साइलेंसर था पहले वाला, उसको रिप्लेस कर दिया गया है काफी सोफिस्टिकेटेड, काफी कॉम्पैक्ट साइलेंसर से, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा चेंज है स्पेशल एडिशन में। और जो दूसरा बड़ा चेंज है वो यहां पर है एडजस्टेबल लीवर्स। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप अपने लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे 1, 2, 3 जो भी आपको पोजीशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर ये कुछ छोटे चेंजेस थे बट स्पेशल एडिशन को स्पेशल बनाने के लिए काफी जरूरी थे, बिकॉज इनका रेगुलर एडिशन आता है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164वी, वहां पर आपको ये नहीं मिलते हैं, वहां पर आपको बेसिक वाला साइलेंसर मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कंप्लीट बाइक। यहां पर दो कलर अवेलेबल हैं, एक है यहां पर मैट ब्लैक, एक आता है वाइट। दोस्तों, यहां पर जो सीट है वो काफी कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी लग रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ऑलवेज बेस्ट होता है। उसी को लेके ये बाइक काफी निकल के आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर टैंक पे भी मैट ब्लैक और ग्लोसी रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसको काफी अट्रैक्टिव बना रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहां पर आपको फुल्ली लोडेड बाइक मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। उसी के साथ यहां पर जो इसके अलॉय व्हील्स है वो भी कॉम्बिनेशन बेस्ड है। यहां पर रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको इसके अलॉय व्हील्स में, जो इसके डिजाइन को काफी एनहेंस कर देता है। दोस्तों, यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाती है 159cc इंजन के साथ। यहाँ पर आपको स्पोर्टी गियर लीवर मिल जाता है जो 1 down 4 up जैसे कि ऑलरेडी आता था, उसके साथ काफ़ी सही यहाँ पर इंजन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में इस न्यू टीवीएस अपाचे स्पेशल एडिशन की, कि भाई यहाँ पर क्या खासियत है जो कि आपको इस बाइक को रिकमेंड करना चाहिए 160cc में, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है, वो भी बजट में। दोस्तों, बजट में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसका एक शोरूम दिल्ली प्राइस है 1,30,000। ये हो गई ओवरऑल बात, हम बात करेंगे डिटेल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ओवरऑल बाइक की। सो फ्रंट में आपको 90x90 का 17 inch का ट्यूबलेस अलॉय व्हील मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट में आपको ABS ब्रेकिंग मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो रिंग है वो ABS की है, बड़ी कॉमन है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेयर टायर साइज की। तो भाई यहाँ पर सेम 17 inch का 130x70 का आपको रेयर टायर मिल जाता है जो आपको एक्स्ट्रा ग्रिप ऑफर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑफ रोड में भी ये बाइक काफी सही आपको ग्रिप देने वाली है। यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाते हैं जो कि आपको काफी कंफर्ट देते हैं, इवन जो लॉन्ग हाईवे ट्रैवल होते हैं, दैट मींस ऑफ रोड में भी काफी सही आपको सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाते हैं राइडर प्लस पिलियन के लिए, जो काफी सही आपको कंफर्ट देते हैं। उसी के साथ साथ फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि इसके डिजाइन को काफी एनहेंस करती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो इसकी लाइटिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, ये सिग्नेचर है जो कि आपका डे लाइट की तरह काम करता है। तो हम DRL बोलते हैं, दैट मींस ये सामने वाले को एक्टिव रखता है कि भैया सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। बड़ा कॉमन फीचर है बट काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है हेडलाइट में DRL को। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट में काफ़ी सही नेकेड लुक मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी अपीलिंग है। जितने भी यंगस्टर हैं उनको काफ़ी पसंद आती है ये बाइक, बिकॉज इसका नेकेड जो फील है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, यंगस्टर को काफ़ी पसंद आती है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164वी। और ये स्पेशल एडिशन है जो कि आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे यहाँ पर इसके फीचर्स की, उसी के साथ स्पीडोमीटर की। सो यहाँ पर आपको
फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जहां पर आपको काफी क्रिस्पी एंड फाइन डिटेल ऑफर करता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। दोस्तों यहां पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि टीवीएस की टेक्नोलॉजी है जो अपने टू व्हीलर्स में ऑफर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको ब्लूटूथ का आइकन ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों यहां पर आपकी स्पीड मिल जाती है, यहां पर आपको अपने नंबर ऑफ गियर की पोजीशन मिल जाती है, एबीएस का आइकन मिल जाता है, उसी के साथ यहां पर आपको डिजिटली फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, ओवरऑल स्पीड मिल जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको थ्री मोड्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ये मोड बटन है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपके तीन मोड शो कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहां पर रेन शो कर रहा है, उसके बाद प्रेस करूंगा अर्बन और उसके बाद प्रेस करूंगा स्पोर्ट्स। तो दोस्तों यहां पर आपको थ्री मोड्स मिल जाते हैं। दोस्तों यहां पर मोड डिफाइन करते हैं आपकी कैपेबिलिटी को कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को राइड करते हैं। सो ये मोड्स जो हैं वो हाईवे पर डेफिनेटली आप ट्राई करें इस बाइक का और टेस्ट राइड अपनी बुक करें डायनेमिक टीवीएस से। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा फाइन आपको काफी ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाता है। यहां पर आपको की मिल जाती है, हैंडल बार मिल जाते हैं जो कि थोड़ा अपराइट साइड पे हैं, जो कि आपको लॉन्ग हाईवे राइड पे काफी कंफर्ट देने वाले हैं। उसी के साथ साथ टीवीएस की जो क्वालिटी है वो काफी ड्यूरेबल है, जो स्विचेस हैं वो काफी अच्छे हैं। एंड फ्रेंड्स उसी के साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, जो हाईवे पे आपको काफी सही प्रेजेंस देता है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूं कि किस तरीके से यहां पर इंजन की जो साउंड है ना वो काफी इंप्रूव कर दी है पहले वाली से। तो दोस्तों अब आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा। सो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे होंगे काफी लाउड यहां पर बेस आ रहा है साइलेंसर का, जो कि इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव तो कर ही रहा है, उसी के साथ साथ इसकी रोड प्रेजेंस को भी। सो बेसिकली जब आप हाईवे पे इसको लेके निकलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड मिलने वाला है यहाँ पर साइलेंसर का, जो कि काफ़ी इम्प्रूव भी दिख रहा है डिज़ाइन वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। सो फ्रेंड्स अब बात करेंगे यहाँ पर बाइक के हर्ट की, सो बेसिकली इंजन की। सो यहाँ पर इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है, इंजन आपको सेम मिल जाता है, 159 सीसी का ऑयल कूल्ड 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ किकलेस इंजन मिल जाता है, जो आपको काफ़ी सही पावर परफॉर्मेंस देगा हाईवे पर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वही है, यहाँ पर वही आपको RPM मिलता है, वही आपको पावर मिल जाता है। सो बेसिकली जो मेन जो चेंजेस था वो यहाँ पर साइलेंसर का था, उसी के साथ साथ एडजस्टेबल लीवर का था। अब हम बात करेंगे इसके और अदर स्पेसिफिकेशन की। सो भाई रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बट वहाँ पर आपको कोई भी ABS नहीं मिलता, रेगुलर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, ब्लैक और रेड का। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको टायर हगर गार्ड मिल जाता है, जो कि आपकी बाइक को गंदा नहीं होने देता रेनी सीजन में। यहाँ पर सारा का सारा मड ये कवर कर लेगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट बाइक गंदी नहीं होने वाली है। उसी के साथ साथ बात करेंगे रेयर में, तो रेयर में आपको LED यहाँ पर टेल लाइट मिल जाती है, जो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। पहले से ही अपाचे का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा था, उसको और भी इम्प्रूव कर दिया गया है ओवरऑल अगर हम देखें स्पेशल एडिशन में। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करेंगे कि भाई इस बाइक की प्राइसिंग क्या है। तो यहाँ पर इसका एक्शोरूम दिल्ली प्राइस है 1,30,000 और ये आपको ऑन रोड मिल जाएगी दिल्ली 1,55,000 के अराउंड। बेस्ट डील के लिए विजिट करें शोरूम डायनेमिक टीवीएस नियर राजापुरी।